गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट लेंस, आपने इस चैप्टर में पहले मिरर पढ़ा था, अब लेंस है। तो लेंस आप जानते हैं कि जैसे चल इसमें टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसकी डिफिनीशन इसी के बेस पे किया गया है कि ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व इज कॉल्ड लेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस। इस तरह से यह जो है कॉन्वेक्स है और ये जो है कॉनकेव। इसमें टू सरफेस, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। तो दो सरफेस होने, स्फेरिकल होने की वजह से, जैसे आपको मिरर में बताया गया था कि उसका सरफेस स्फेरिकल होता है तो वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल भी होता है, उस तरह से यहाँ पर दो सरफेस होने की वजह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो पोल होंगे और दोनों में यही हाल। तो यहाँ पर रिलेटेड कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो नया वर्ड है एक है ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये जो सरफेस हुआ इसका पोल P1 लिया गया, ये जो सरफेस हुआ इसका P2 लिया गया। तो P1 और P2 के मिड पॉइंट को O से दिखाया गया, इसी को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ बोथ पोल ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, या आप कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर इन फिगर, पॉइंट ओ इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद सेकंड है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की सिंपल डिफिनेशन है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है फोकस। देखो यहाँ पे जब टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं तो टू फोकस भी होंगे, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। जैसा कि मिरर में आपको बताया गया कि मिड पॉइंट जो होता है वही फोकस होता है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दो है इसलिए थोड़ा सा दूसरे ढंग से डिफाइन किया जाता है। तो इसमें देखा गया कि जब कोई पैरेलल लाइट आती है एक पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन आपका रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती है वही फोकस होता है, मीट होती हुई अपीयर होती है। देखिए डिफिनेशन क्या है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रेक्शन इज कॉल्ड फोकस। अच्छा, इसमें टू फोकस है तो एक को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, एक को सेकेंड फोकस कहा जाता है। तो इस तरह से पहला लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी वो प्रिंसिपल फोकस होगी और जिस पर मिलती हुई अपीयर होगी वह क्या कहा जाएगा, वो भी प्रिंसिपल फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस यह हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो गया और बाकी जो बचा दूसरा अलग उसको सेकंड फोकस कहा जाता है। आप इसको सेकंड फोकस को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लाइट जहाँ से पास होते पैरेलल हो जाती है वह सेकंड फोकस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच की डिस्टेंस को, तो यहाँ ओ लिया गया इसके बीच की डिस्टेंस, दिस इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, यह भी होगा स्मॉल एफ। और इस फोकल लेंथ है तो इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपने इस चैप्टर में स्टार्ट किया लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और फोकल लेंथ।
ठीक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।